हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया मस्त झकास होंगे। आज हम करेंगे अपना पीपीएससी 107 का कौन सा यूनिट, यूनिट थर्ड। ठीक है जी, तो आज हम यूनिट थर्ड की शुरुआत करते हैं, प्यारे प्यारे से चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कारण है होने के, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद का क्या हुआ था सिचुएशन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके थर्ड यूनिट का क्या नाम है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉजेज होते कारण कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भाई किस कारण से हुआ था। ठीक है, ऐसी क्या बोलते हैं वो, मतलब इतनी बड़ी तापा तो नहीं बोलते यार, मम्मी वगैरह टोंट नहीं मारती है कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा बड़ा वो बादल गिर गया था या पता नहीं ऐसा क्या हो गया था जो तुमने ये वर्ल्ड वॉर कर दिया। ठीक है, तो और कॉन्सिक्वेंसेस, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है उसकी बात करेंगे। ओके जी, तो कौन कौन से टॉपिक होने वाले, बोलोगे इतने सारे टॉपिक, नहीं बहुत छोटा चैप्टर है, इतना भी बड़ा नहीं है जितना ये, इतने बड़े जो इन्होंने टॉपिक डाल रखे ना, छोटे छोटे टॉपिक है ये, आप ऐसे 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 करा देंगे हम इनको। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, एक बार देख लेंगे क्या सीन है पूरे चैप्टर का। ठीक है, कॉजेस क्या क्या कॉजेस है भाई, रीजन तो बताओ। तुम बोल रहे हो वॉर हो गया, लेकिन वॉर क्यों हुआ हमको ये बताओ, क्या है वो तो चलेगा लेकिन क्यों है वो बताओ हमको। ठीक है, सिक्वेंसेस, अगर वॉर हुआ तो कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे वॉर हुआ ये भी बताओ। ठीक है, अब वॉर हो गया है तो उसके बाद क्या हुआ है ये भी देख लो, और इम्पैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, फिर खत्म होता है पूरा चैप्टर यहीं पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है 1914 से। ठीक है, मैं पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, आराम से कहानी देखने का और मजा लेने का। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1914 से। ठीक है, ये स्प्रेड तो हुआ था कहाँ से, यूरोप से। ठीक है, मतलब एकदम से फैलता ये यूरोप से। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यूरोप से। यूरोप से फैलता फैलता ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूरोप से, और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है जी, इससे क्या होता है, बहुत से सोल्जर तो ही सोल्जर, लेकिन बहुत सारे रेगुलर जो पीपल से उनको भी हर्ट हुआ था। ठीक है, जो लोग आम नागरिक थे देश के, उनको भी झेलना पड़ा था ये वॉर। ठीक है, सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं। ठीक है, और इतना बड़ा डैमेज, उससे पहले कोई वॉर नहीं हुआ था, बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बहुत भयानक वाला डैमेज हुआ था। ठीक है, कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। ठीक है, और ये वॉर हमारा 4 साल तक चलता है, जो कि पूरी हिस्ट्री को चेंज करके रख देता है। ठीक है, अगर हम बात करें, जो हमारा ये वॉर है ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं हुआ था, ये अलग अलग जगह पे होता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन, हर जगह वॉर छिड़े हुए थे। कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वॉर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यही था। इस टाइम पर बहुत से बड़े बड़े राजा थे, बहुत बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी रॉयल फैमिलीज थी, जो कि अपनी पावर को खो रही थी। यूरोप जो कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट बन जाता है, अब पिक्चर में कौन आता है, यूएसए आता है। पूरे वर्ल्ड को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, यूएसए, और पहले यूरोप था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो पूरा वर्ल्ड का देखने का नजरिया था वो बदल जाता है। ठीक है, उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरा वर्ल्ड कुछ अलग सा ही दिख रहा था, लेकिन वॉर होने के बाद कुछ अलग ही था। तो देखते हैं कारण क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज दिया जाता है कि आर ड्यूक के फ्रांसिस फर्डिनेंड को मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ठीक है, रियल जो रीजन है वो एक नहीं है, वो काफी पुराना है। ठीक है, रियल जो रीजन है वो है हमारे फ्रांस और जर्मन के बीच में जो वॉर हुआ था 1870 में, उसी टाइम से ही आपस में मतभेद चल रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ हम आर ड्यूके को ही क्या नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से ही, आपके मरने की वजह से ही ये वॉर स्टार्ट हुआ है, ये वॉर छिड़ा है। नहीं, पहला तो है इकोनॉमिक रिवाइवलरीज। ठीक है, कभी कभी जवान को पता नहीं क्या हो जाता है, छोटे छोटे वर्ड नहीं बोले जाते, क्या हुआ रे, तोबा तोबा। देखो जी,
लेट 90s में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो यूरोप की कंट्रीज थी वो आपस में लड़ रही थी. क्यों लड़ रही थी? इकोनॉमी को लेकर. ठीक है, क्यों? इकोनॉमी को लेकर डिस्प्यूट था. किसको लेकर? ट्रेड्स को लेकर. बोल रहे थे कि देखो जी, हमारी मार्केट ज्यादा बड़ा होगा, अपनी मार्केट ज्यादा बड़ा होगा, तुम्हारी तो क्या है, हमारे साथ मक्खी है. जर्मनी जो कि एक नई इकोनॉमिक पावर थी, वो चैलेंज करती है ब्रिटेन को, बोलती है कि देखो तुमसे बड़ा हम अपना इकोनॉमी बनाएंगे. ठीक है, गेन का मतलब होता है बढ़ता, बड़ा. ठीक है, बहुत बड़ा. तो जर्मनी क्या बोला ब्रिटेन से कि देखो हम तुमसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी बनाएंगे. अब जब कोई किसी को सामने से चैलेंज कर रहा है तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. अब कंपटीशन है तो टेंशन तो होगी. ठीक है, अब टेंशन है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो लग ही गई है. ठीक है, पहला रीजन इकोनॉमिक रिवाइवलरी. उसके अंदर क्या होता है, कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही थी. क्यों? कि हम अपनी इकोनॉमी को ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा. एक नया इकोनॉमिक पावर आता है जिसका नाम था जर्मनी. ये चैलेंज करता है ब्रिटेन को. ठीक है, ओके. सेकेंड रीजन है कॉलोनियल डिस्प्यूट. अब क्या था, जो यूरोप की कंट्रीज थी वो बड़ी आपस में एक दूसरे से लड़ने लग रही थी. क्यों भाई? वो बोल रही थी देखो जितने भी अलग अलग पार्ट्स है ना, उसके अंदर कॉलोनी हम बनाएगा. जैसे कि इंडिया को देखे तो यहाँ पे डच वाले भी आ जाते हैं, पोर्तुगीज वाले भी आ जाते हैं और ब्रिटेन वाले भी आ जाते हैं. आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे. क्यों? बोले कि हम कब्जा करेंगे, हम कॉलोनी बनाएंगे इंडिया को. ब्रिटेन बोले नहीं, हम बनाएंगे इसको, हम कब्जा बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे. ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा था, आपस में एक दूसरे की लड़ाई बज रही थी. ठीक है, जर्मनी बोलता है कि देखो क्या, वो बोलता है कि मेरे को अपनी कॉलोनी बनाना है. अब कॉलोनी बनाने से होता क्या है मैम, ये कॉलोनी बनाने से इनको क्या प्रॉफिट होगा? देखो जब वो हमारे ऊपर अपनी कॉलोनी बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या करेंगे, पूरा रिसोर्स लेकर जाएंगे और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे. ठीक है, उनके खुद के बस की तो रहा नहीं, तो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, तो इस चीज को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफी हॉस्टाइल हो गई थी. आपस में ही एक दूसरे से जल रही थी, आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी. ठीक है, पहला रीजन इकोनॉमिक रिवाइवलरी, सेकंड कॉलोनियल डिस्प्यूट. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो फिर कानों को खोलो, दिमाग को भी खोलो, आंखों को भी खोलो और बैठ जाओ शांति से. ठीक है, कंफ्लिक्टेड अलाइन सिस्टम. अब भाई कंफ्लिक्टिंग अलाइन सिस्टम. अब ये लोग अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्रीज थी वो अपनी अलाइंस बना रही थी. क्या कर रही थी? अपनी अलाइंस बना रही थी. जैसे जो जर्मनी है वो क्या करती है, अपनी ट्रिपल अलाइंस बनाती है. जर्मनी ने क्या करा था, चैलेंज करा था किसको, ब्रिटेन को. ठीक है, चैलेंज करा किसको, ब्रिटेन को. पिछली वाली कहानी नहीं भूलना. ठीक है, पिछला वाला पॉइंट भी याद रखना है कि जर्मनी ने चैलेंज करा, वो एक रीजन. उसके बाद जर्मनी क्या करता है, अपनी एक ट्रिपल अलायंस बनाता है. किसके साथ? ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ. ठीक है, तो क्या करा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये तीनों क्या करते हैं, अपनी एक अलायंस बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस. नाम याद रखना, क्या? ट्रिपल अलायंस. भाई इन लोगों ने क्यों बनाया था अलायंस? फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट. ठीक है, किसके अगेंस्ट? फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट. अब फ्रांस और रशिया भी अपनी एक अलायंस बनाते हैं. क्यों? इस ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए. ठीक है, और ब्रिटेन में चेक करने के लिए. ठीक है, तो क्या करा हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने क्या बनाई, अपनी एक ट्रिपल अलायंस बनाई. ठीक है, इन तीन लोगों ने अपना ट्रिपल अलायंस बनाया. इनको देखते देखते ये क्या बोले, फ्रांस और रशिया, की हम भी अपने अलायंस बनाएंगे. ठीक है, क्यों? इसको हराने के लिए. ठीक है भाई, बन गई ना अलायंस. ठीक है, अब जो पूरा यूरोप था वो एक दूसरे के, मतलब वो डिवाइड हो गया था किसके अंदर, दो अपोजिट अलायंस के अंदर. कि एक जगह तो एक ट्रिपल अलायंस के अंदर है, एक उसको काउंटर करने के लिए अलग से अलायंस बनाई गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, कहां पे गई है, सेंट्रल पावर. ठीक है, तो ये दो हमारी अलायंस बन गई है. ठीक है जी, अब क्या होता है, उस टाइम पर नेशनलिज्म भी राइज हो रहा था. जो मिनोरिटीज ग्रुप थी और जो एम्पायर के अंदर थी छोटी छोटी ग्रुप्स, वो क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी कि देखो जी हमको चाहिए आजादी. क्या चाहिए? हमको चाहिए आजादी. तुमने बहुत कब्जा कर लिया हमारे ऊपर, हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन रहना है, हम तुम्हारा कंट्रोल नहीं झेलेंगे, अब बहुत हो गया. ठीक है, बहुत हो गया जर्मन का रूल, अब हमको नहीं चाहिए. जो लोग थे वहां के क्या बोल रहे थे, अब हमको नहीं चाहिए. ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था वो भी सिमिलर
इश्यूज को फेस कर रहा था, ठीक है, इटालियन रोमानियन सिलिविक पीपल से. वो क्या कह रहे थे कि देखो हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा, अब हमको ये राजा वगैरह का रूल नहीं चाहिए. ठीक है, तो अभी तक हमने कितना रीजन देखा, इकोनॉमिक, कॉलोनी, कन्फ्लिक्टिंग अलाइंस, ठीक है, राइजिंग नेशनलिज्म, और एक लास्ट पॉइंट कौन सा, आउटब्रेक द वॉर. जो हमने पहले एक्सक्यूज देखा था वो एक्सक्यूज नहीं, वो सिंपल सा एक छोटा सा रीजन था. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक एक्सक्यूज है, नहीं, वो भी एक कारण था किसका, हमारा वॉर होने का. क्या होता है कि हमारे जो ऑस्ट्रिया के क्या थे, ऑस्ट्रिया के जो हमारे राजा थे आर्क ड्यूके फ्रांसिस फ्रिडनेड, उनका क्या होता है, उनका असैसिनेट हो जाता है. क्या होता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है. ठीक है, उनको मार दिया जाता है. अब उनको मारने की वजह से, यार तुमने किसी का राजा मार दिया है, ठीक है, राजा सा बेटा मार दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा क्राइसिस होता है. ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो काफी बड़ा चिट्ठा तैयार करते हैं किसके लिए, सर्बिया के लिए, सर्बिया के लिए, जो कि सर्बिया था वो काफी चीजों पर डिमांड पर तो वो एग्री कर गया था, लेकिन हर चीज के लिए वो क्या नहीं कर रहा था, एग्री नहीं किया था. ठीक है, तो ऑस्ट्रिया बोलता है तू एग्री नहीं करता है, मेरी सभी बातों को नहीं मानता है, तो मैं तेरे अगेंस्ट क्या करूंगा, वॉर करूंगा. ठीक है, तो एक छोटी सी वॉर कहां से होती है, ऑस्ट्रिया से. ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या बोला कि मैं तेरे अगेंस्ट क्या करूंगा, वॉर करूंगा. क्यों, क्योंकि वो सभी डिमांड पर क्या नहीं कर रहा था, एग्री नहीं किया था. ठीक है, अब रशिया क्या करता है, ज्वाइन करता है सर्बिया को. ठीक है, रशिया किसकी साइड है, सर्बिया की साइड. अब जर्मनी भी डिक्लेयर कर रहा है वॉर को, कौन किसके ऊपर, रशिया के ऊपर. ठीक है, और फ्रांस के अगेंस्ट. ठीक है, देख रहे हो, पहला तो हमारा ऑस्ट्रिया किसके अगेंस्ट कर रहा है वॉर, सर्बिया के अगेंस्ट. ठीक है, अब सर्बिया को कौन ज्वाइन कर रहा है, रशिया. ठीक है, ये तो हो गई एक कहानी. ठीक है, ये तो हो गई एक कहानी. दूसरी तरफ है हमारा जर्मनी. ठीक है, दूसरी तरफ है जर्मनी. जर्मनी क्या करता है, वो प्लान करता है किसके ऊपर अटैक करने के लिए, फ्रांस के ऊपर. ठीक है, किसके थ्रू, बेल्जियम के थ्रू. ठीक है, कि मैं अगर फ्रांस को हरा दूंगा तो ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं लॉस में चला जाएगा. अब एक एक तरफ से तो वॉर चल रहा है, ऑस्ट्रिया तो क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है, रशिया ने उसको ज्वाइन कर लिया. दूसरी तरफ जर्मनी भी क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है. ठीक है, अब एक दूसरे की तरफ से यार बॉम्बिंग वगैरह, बम बम फूटेंगे, तो सिंपल सी बात है, वॉर तो होगा ही. ठीक है, तो इसी टाइम को बोला जाता है कि यहीं से हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी स्टार्टिंग होती है, जहां पे जो सेंट्रल पावर थी वो कौन थी, अलाइंस. ठीक है, सेंट्रल पावर ऑस्ट्रिया और हंगरी और जर्मनी थी, और उनके अगेंस्ट थी अलाइंस पावर, जिसको हम फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया बोलते हैं. ठीक है, जो ट्रिपल अलाइंस बनी थी वो कौन थी हमारी, ट्रिपल अलाइंस बताओ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी. ठीक है, इनके अगेंस्ट कौन था, अलाइंस. अलाइंस कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया. ठीक है, तो क्या कहानी पड़ी है कि पहले तो जर्मनी किसको वो करता है, धमकी देता है, ब्रिटेन को देता है. ठीक है, अगेंस्ट हुआ, यस भाई अगेंस्ट हुआ. ठीक है, रशिया यहाँ पे किसको, सर्बिया को ज्वाइन कर लेता है, तो वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हुआ, जब ही तो उसने उसको ज्वाइन करा है, उसके अपोजिट वाले को, वरना ये इसका साथ ही होता तो इसी को ज्वाइन नहीं करता. ठीक है, तो ऐसे आपस में क्या होता है, इन दूसरों के लड़ाई बढ़ जाती है. ठीक है जी, ओके, अब हम इवेंट्स की बात करते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था इस टाइम पर. तो यूरोप में अगर हम बात करें, जो यूरोप में वॉर चली थी वो स्टार्ट होती है 1941 के अंदर, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लोगों ने जो हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो सोच रही थी कि चलो भाई वॉर तो स्टार्ट कर दिया, जल्दी से खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक विनर तो चुन ही जाएगा. ठीक है, जब लोगों ने वॉर स्टार्ट करा था, जब छेड़ा था उन्होंने वॉर, ये सोच के छेड़ा था कि देखो जी हम जल्दी से जीत के खत्म कर देंगे. लेकिन जो वॉर था वो कितने साल तक चलता है, 4 साल तक, और 1918 में जाके वो खत्म होता है. ठीक है, जहां तुम 15-20 दिनों की सोच रहे थे, अब वो 4 साल में खत्म हो रहा है. एट फर्स्ट क्या होता है, जो वॉर था वो मेनली यूरोप के अंदर था. ठीक है, लेकिन जो कंट्रीज थी वो फाइट कर रही थी अपने इश्यूज को लेकर, अपनी कॉलोनीज को लेकर. ठीक है, अब जर्मनी ट्राई करता है कि देखो जी मैं फ्रांस को इन्वेड कर लूंगा. ठीक है, किसके थ्रू, बेल्जियम के थ्रू. अभी आगे देखा ना, ये जर्मनी प्लान बना रहा था किसको अटैक करने के लिए, फ्रांस को अटैक करने के लिए, किसके थ्रू, बेल्जियम के थ्रू. ठीक है, तो हमारा जो क्या था, जर्मनी वो ट्राई कर रहा था कि मैं फ्रांस को क्या कर लूंगा, कब्जा लूंगा. ठीक है, अब कब्जा के किसके थ्रू, बेल्जियम के थ्रू. ठीक है, अब कब्जा के मैं क्या कर लूंगा, वॉर को जीत जाऊंगा. लेकिन वो पेरिस तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसको उल्टा खदेड़ते हुए भगाया जाता है.
ठीक है, तो मतलब डायमंड तो बिल्कुल पहुंच चुका था, उसके हाथ में मिल गया था, लेकिन वहीं से उसके हाथ से छीन लिया जाता है डायमंड। ठीक है, तो रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कि काफी बड़ी बैटल लड़ रहे थे, बट ऑस्ट्रिया और हंगरी को काफी बड़ा लॉस होता है। किसकी वजह से? बल्कन्स की वजह से। टर्की भी क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है सेंट्रल पावर को। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन तीन ट्रिपल अलाइंस को कौन ज्वाइन करता है? टर्की। कौन ज्वाइन करता है? टर्की। ठीक है, वो क्या करता है, जो रशिया के साथ वो ट्रेड करता था, जो भी वो सप्लाई वगैरह भेजता था उनको रोक देता है। ठीक है, बोला कि देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूं, मैं अपने दोस्तों का साथ दूंगा क्योंकि मैंने इनको ज्वाइन करा है। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को कौन ज्वाइन कर लेता है? हमारा टर्की। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी बैटल जीत जाते हैं। दे कंट्रोल द ह्यूग एरिया, और ये ह्यूग एरिया को कंट्रोल कर लेते कहाँ पे? प्रशियन गल्फ के। ठीक है, तो मतलब ये तो जीते नहीं थे, जीतता तो हमारा ये रशिया और यूएसए वाला है। ठीक है, ओके। और उसके बाद ग्लोबल फेस की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन रही थी, 1917 के अंदर यूएसए आता है फिल्म के अंदर, जो वॉर चल रहा था उससे पहले यूएसए का को कोई नामो निशान नहीं था। ये आपस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, और टर्की ने भी ज्वाइन कर लिया था बाद में, और हमारा कौन था? रशिया और सर्बिया, ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, यही छोटू कूट मुट छुट मुट 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 आपस में लड़ रहे थे, यूरोप की और रशिया। ठीक है, यही लड़ रहे थे। लेकिन होते क्या, 1970 में यूएसए बोलता है कि देखो जी मैं भी ज्वाइन करूंगा, तुम मत लड़ो आपस में, मेरे को भी ज्वाइन करने दो। ठीक है, ये आगे ज्वाइन करता है। अब जब क्या यूएसए ज्वाइन करता है इस वॉर को, तो पहले ही यूरोप का वॉर था। ठीक है, यूरोप के अंदर ही इसकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे हमारा यूएसए आता है पिक्चर में, अब ये वर्ल्ड वॉर बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ल्ड वॉर बन जाता है। यूएसए जो कि अपने अलग अलग महान महान आइडियाज के साथ आया था कि पीस होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, रशिया जिसका अपना अलग ही रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे, एक नई आइडियोलॉजी आ रही थी, कौन सी? सोशलिज्म की, गवर्नमेंट का सब कुछ होना चाहिए, लोग ही कंट्रोल करके रखे। रशिया के साथ क्या करा जाता है, साइन की जाती है पीस ट्रीटी। ठीक है, रशिया साइन करता है एक पीस ट्रीटी किसके साथ? जर्मनी के साथ। कब? 1918 के अंदर, कि देखो जी अब वॉर को करते खत्म। 1918 को रशिया क्या कर रहा है, साइन कर रहा है पीस ट्रीटी किसके साथ? जर्मनी के साथ। कब? 1918 के अंदर। ठीक है, अब जो यूएसए का इन्वेशन था, और यूएसए, ठीक है, और यूएसए क्या कर रहे थे, वो दोनों अपनी अलायंस को स्ट्रांग कर रहे थे, एक तरफ यूएसए और रशिया। ठीक है, जो सेंट्रल पावर थी वो सरेंडर कर रही थी वन बाय वन। ठीक है, जो सेंट्रल पावर थी वो क्या कर रही थी, सरेंडर हो रही थी वन बाय वन। बेल्जियम, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फाइनली जर्मनी को भी क्या कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है। वॉर जो होता है वो खत्म हो जाता है कब, 1918 के अंदर। जो विक्ट्री होती है वो अलाइज की होती है, किसकी होती है? अलाइज की। अलाइज कौन था? जिसको हमारा यूएसए क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, क्या करता है? यूएसए ज्वाइन करता है। ठीक है, ये वाली अलाइंस कौन सी? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और हमारा यूएसए। ठीक है, तो ये अलाइंस पावर जीत जाती है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी क्या करती है, हार जाती है। जर्मनी के साथ कौन था? टर्की भी था। ठीक है, तो ये टर्की वगैरह सब हार जाते हैं, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूएसए क्या करते हैं, जीत जाते हैं। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, साथ के साथ आपको मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी भी सुना रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा थम के बैठी गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया का क्या रोल रहा है। तो इंडिया ने काफी बड़ा डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली काफी पार्टिसिपेट करा है। जो इंडियन के सोल्जर थे वो यूरोप की साइड से फाइट करते हैं, मतलब ब्रिटेन की साइड से फाइट करते हैं। ठीक है, वो हमारे अलाइज के सिस्टम में थे। ठीक है, अफ्रीका के अंदर क्या था, यूरोप के अंदर क्या था, उन्होंने लड़ाई, बहुत अलग अलग जगह पे जाके वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसके अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। 1.5 मिलियन देख रहे हो, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों के, काफी ज्यादा इंडियन सोल्जर थे जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, और काफी लोगों को जख्मी कर दिया गया। जो इंडिया था उससे बहुत ज्यादा सप्लाई करे क्या, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा कहां पे पहुंचाया गया, ब्रिटेन के टाइम, ब्रिटेन में। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अब लड़ाई लड़ रहा है तो सिंपल सी बात है यार, इकोनॉमी डाउन तो होगी। ठीक है, तभी तो वो कॉलोनी बना रहे थे कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का, ठीक है, रिसोर्सेज लेकर जाने का। तो बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसा वो कहां से ले गए, इंडिया से ले गए। अब इतना सारा हमने सेक्रीफाइस करा है, तो सेक्रीफाइस करने के पीछे कुछ ना तो कुछ तो हमको चाहिए।
ठीक है, तो इतना सैक्रिफाइस करने की वजह से क्या होता है, लोग करते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हमको चाहिए आजादी, तुम काहे, तुम हमसे काहे इतना वो कष्ट करा रहे हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना। एक तो हमारे सोल्जर्स को लेकर जा रहे हो, ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेस को लेकर गए हो, इतने सारे पैसे को लेकर गए हो, अरे भाई हम थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं, तुम तो हमको जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। तो लोग कहते हैं कि देखो हमको इंडिपेंडेंस दो, हमको आजादी दो, हमको नहीं लड़ना भाई तुम्हारी तरफ से, हम क्यों लड़े, है ना। तो हमारे महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े महान इंसान आते हैं जो बात करते, डिमांड करते किसकी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, भाई इंडिया क्या बनेगा, सेल्फ डिटरमाना डिटरमाइन बनेगा, ठीक है। इवेंचुअली उसकी वजह से क्या होता है, इंडिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है, कि भाई देखो हमको चाहिए इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, तो ये रही हमारी कौन सी सिक्वेंसी, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन इसका पार्टिसिपेट बना था और कौन जीता था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कब कब कहाँ कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, ये देख लिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद उसके बाद क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। अब जो यूरोप की सुप्रीमेसी थी वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। यूरोप की जो सुप्रीमेसी थी ना, वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर जा जा के कब्जा कर रहे थे, कॉलोनी बना रहे थे, वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। वॉर होता है, अब भाई तुम वॉर कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, तो तुम्हारी इकोनॉमी जाएगी तो जाएगी, तुम्हारे रिसोर्सेस भी जाएंगे, लोगों की लाइफ भी जाएगी, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आता है वॉर की वजह से किसके, यूरोप में, ठीक है। यूरोप का जो डोमिनेशन था पूरे वर्ल्ड में वो धीरे 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 डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी क्या चली गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई थी, ठीक है। तो पिक्चर में कौन आ रहा था, पिक्चर में आ रहा था यूएसए। यूएसए एक सुपर पावर की तरह एकदम से आता है पिक्चर के अंदर। जापान ये भी काफी बड़ी एक पावर लेकर आता है ईस्ट के अंदर, ठीक है, कि मैं भी हूँ भाई पिक्चर में, मेरे को भी देखो। पीस ट्रीटी वगैरह साइन करी गई थी, ठीक है, वॉर के एंड होने के बाद 5 सेपरेट अलग अलग ट्रीटी साइन करी जाती है अलाइंस और सेंट्रल पावर के बीच में, ठीक है। अब जो ये ट्रीटी थी, पहली तो वर्सायल ट्रीटी जो कि जर्मनी के साथ की गई थी, सैन जर्मिनियन ट्रीटी ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, नैल्यूज न्यूली ट्रीटी जो कि बल्गेरिया के अंदर बल्गेरिया के साथ की गई थी, और ट्रेनियन ट्रीटी जो कि हंगरी के साथ, और सैवरीज ट्रीटी टर्की के साथ, ठीक है। तो नाम याद रखने का आपको, बस 5 नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इस ट्रीटी में इनके साथ बहुत सारी टर्म्स कंडीशन रखी गई थी कि देखो आपको ऐसे पीस करने का है, ऐसे पीस करने का, ऐसे शांति रखने का, अब लड़ना वगैरह नहीं है, ठीक है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, एक बहुत बड़ी क्या होती है, पीस को लेकर पेरिस के अंदर मीटिंग होती है, ठीक है। कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस के अंदर हुई थी, तभी तो इसको पेरिस कॉन्फ्रेंस बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पीस के लिए थी, शांति के लिए थी, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के हमारे लीडर्स आते हैं वर्ल्ड के, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अब मेन प्लेयर्स हो गए थे वर्ल्ड के अंदर, भाई ये जीत गए ना, तो जीतने वाला बड़ा प्लेयर तो कहलाएगा ही, वो बड़ा खिलाड़ी तो कहलाएगा ही। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन वो अपनी एक आइडियलिस्ट 14 पॉइंट लेकर आते हैं, बोलते हैं कि देखो इनको अडॉप्ट करने का, लेकिन उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन हर चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। तो पहली ट्रीटी थी हमारी वर्साइल की ट्रीटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जर्मनी के साथ की गई थी, ठीक है। जर्मनी जो कि क्या कर रहा था, ब्लेम कर रहा था ब्रिटेन को, ठीक है। अब क्या हुआ कि जर्मनी को ब्लेम किया जाता है वॉर के लिए, कि देखो जर्मनी तेरी वजह से क्या हुआ है, ये वॉर हुआ है, अगर तू इतना उछलता नहीं ना, ठीक है, तू इतना उछलता नहीं ना, तेरी वजह से वॉर नहीं होता, ठीक है, सॉरी तेरी वजह से, हाँ तेरी वजह से वॉर नहीं होता, ठीक है। वो बोलते कि तू आया, तू ज्यादा उछला, तो तेरी वजह से क्या हुआ, वॉर हुआ, वॉर हुआ था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। सारा ब्लेम किसको कर दिया गया, जर्मनी को, बोला जाता है कि तुम अपनी टेरिटरी दो, ये पूरा चीजों को रिपेयर कराओ, इतनी ज्यादा इकोनॉमी डाउन चली गई है, इतने लोगों की जान गई है, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो सभी को तुमको ब्लेम करना पड़े, पैसे दो, पूरा रिपेयर करो भाई, अपनी मिलिट्री पे लिमिट लगाओ, ठीक है। काफी बुरा हाल, काफी बेहद तरीके से, काफी बुरे तरीके से जर्मनी को ब्लेम किया जा रहा था, ठीक है। ओके, हमारी कुछ छोटी मोटी अभी ट्रीटी जो हमने बात करी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, हंगरी और टर्की के साथ हुई थी। अब इन ट्रीटीज के अंदर डिफाइन किया जाता है कि देखो जी आपके नए बॉर्डर्स ये है,
अब इन नए बॉर्डर्स में तुम रह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंडीशन आपके लिए रखी जाएगी, ठीक है? वो कंडीशंस वगैरह को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सिंपल बढ़िया चल जाता है इनकी लाइफ, ठीक है? देन इसके बाद बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द वॉर, या वॉर का क्या इंपैक्ट हुआ है, ठीक है? अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की इकोनॉमी क्या चली गई थी, बिल्कुल डाउन चली गई थी, ठीक है? यूरोप का पैसा पावर सब क्या हो गया था, खराब हो गया था। यूएसए बिल्कुल एकदम से सुपर पावर की तरह आ रहा था कि देखो मैंने 1917 के अंदर ज्वाइन करा ना, मैंने जितवा दिया, तो मैं ही महान हूँ, मैं ही बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है? पॉलिटिक्स थी जो यूरोप की वो धीरे धीरे गिरने लगी थी, ठीक है? जो किंग थे क्वीन थी वो काफी जगह से अपनी जो पावर थी वो लॉस कर रही थी, नए नए आइडियाज आ रहे थे, जैसे सोशलिज्म हो गया, ठीक है? जो यूरोप की एक रिस्पेक्ट थी ना लोगों की नजरों में, वो गिरने लगी थी, ठीक है? जब यूरोप इतनी बुरी तरीके से अपनी इकोनॉमी को लेकर नीचे चला जाता है ना, यूरोप जो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा था, अब वो स्ट्रांग नहीं रहा था, ठीक है? बहुत सारे लोग अब क्या कह रहे थे कि तू बहुत मान मर लिया भाई, हमारी नजरों में से हमने देख लिया, अगर यूएसए तेरे को ज्वाइन नहीं करता ना तू हार जाता, तेरी बहुत बुरी हालत हो जाती, ठीक है? बोलते कि देखो वहां से पेरिस तक पहुंच गया था जर्मनी तो बल्गेरिया के थ्रू, लेकिन वो तो यूएसए आ गया पिक्चर में, बच गए तुम लोग, तो हमको तुम्हारे साथ नहीं रहने का, हमको इंडिपेंडेंस दो, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको तुम्हारी शरण में नहीं रहने का। तो लोग काफी अगेंस्ट जाते किसके, यूरोप के कंट्रोल से, कि बहुत बन गई कॉलोनी, अब निकलो यहाँ से, निकलो अपना बोरिविस्टा लेकर। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट देखें तो यूएसए स्ट्रांग बच जाता है, सोवियत यूनियन स्टार्ट होता है, एक बहुत बड़ी कंट्री बनती है जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं, यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। ये बिलीव करते हैं कि देखो जी हमारा आइडिया सोशलिज्म का, क्या है सोशलिज्म का, कि जो पूरा कंट्रोल होगा, ना ही गवर्नमेंट करेगी ना ही प्राइवेट सेक्टर करेगा, पूरी जो लोग है ना, जो वर्किंग क्लास है, वो कंट्रोल करके रखेगी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है? एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर लोग चाह रहे थे कि हमको फ्रीडम चाहिए, अब मरेंगे या जिएंगे लेकिन फ्रीडम ही चाहिए, ठीक है? बहुत कर लिया कब्जा, यूरोप वालों निकलो। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुई थी। तो यहीं पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का मुझे, और नहीं है तो खुश रहने का, ठीक है? तो खत्म होता है इसका लेक्चर। तो इतनी हमारी कहानी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या हुआ था, ठीक है? इम्पैक्ट देखा कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यूएसए एकदम से पावर बन जाता है, ब्रिटेन की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली जाती है, ठीक है? यूरोप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है अपनी इकोनॉमी को लेकर, लाइफ को लेकर, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल आ जाते हैं, ठीक है? और काफ़ी मस्त थी यार स्टोरी। तो यहीं पे हमारी पूरी स्टोरी खत्म होती है। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखे, ध्यान रखे, ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय, टेक केयर।